हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित यात्रा करें, और इस सब के बीच वो सावधानियां भी रखता है, लेकिन कभी कभी एक चूक जीवन के लिए खतरा बन जाती है। ऐसी ही भूल सुधार के लिए, ऐसी ही चूक को समाप्त करने के लिए हाल ही में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वो आदेश खूब चर्चा में है। हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण पहलू क्यों हुआ ये आदेश, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अपना पंचेश्वर में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं विक्रांत द्विवेदी जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज की विभिन्न समस्याओं पर आप नजर रखते हैं, उनपे निदान के लिए जागरूकता अभियान में भी शामिल रहते हैं। विक्रांत जी, आपका स्वागत है अपना पंचेश्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं विपिन तिवारी जी। आप रिपोर्टर हैं, क्षेत्र में लगातार आपके दौरे होते रहते हैं, आप लोगों के बीच होते हैं, वहाँ क्या कुछ स्थिति है, लोगों का इसमें क्या कहना है, क्या उनकी मान्यता है, और विभिन्न पहलू, इन सभी पे बात करने के लिए विपिन जी हैं। विपिन जी, आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम विक्रांत जी के साथ। विक्रांत जी लगातार क्षेत्र में रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने यातायात जागरूकता के लिए लंबी यात्रा भी निकाली, क्षेत्र में जागरूकता के लिए लंबी यात्रा निकाली, आपने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया हुआ है, और क्या कुछ इसमें पहलू हुनर क्या महत्वपूर्ण है, उन बातों के लिए चलेंगे विक्रांत जी के साथ। विक्रांत जी, हेलमेट की अनिवार्यता को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीवन का मेरे अनुसार, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं, जब हम किसी यात्रा की ओर जाते हैं, तो पूरा घर मिलके हमें विदाई देता है और हमारी शुभकामना के लिए प्रार्थना करता है कि पापा हैं, हम बहुत सारे रोल अदा करते हैं समाज में, किसी के पापा हैं, किसी के भाई हैं, कि ये जा रहे हैं इस काम पे पहुँचे। और जब हम हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं तो हम ये सुरक्षित नहीं है कि हम लौट के उनके पास जा पाएंगे। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएँ हुई, हमने इसको बहुत हल्का माना और घर से निकल गए बिना हेलमेट के, लेकिन हमारे जो लोग ने हमें विदाई दिया था, शुभकामनाएं दी थी, उन तक हम पहुंच नहीं पाए। तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हेलमेट के बिना यात्रा करना, मैं ये कहूँगा मैंने आज तक नहीं की। बहुत जैसा आपने बताया पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा की, बामन दिन बामन जिले की, मेरा सबसे बड़ा अंग था वो था हेलमेट। विदाउट हेलमेट एक भी राइड नहीं जी। विक्रांत जी ने अपनी बात की है, विक्रांत जी फिर से चलेंगे जी, विपिन जी के पास चलते हैं। विपिन जी, क्षेत्र में, क्षेत्र क्या कुछ स्थिति है, आप कैसे देखते हैं क्षेत्र में अभी? देखिए अखंड जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने विंध्य की ही बात करूंगा, और चूंकि विंध्य में लगातार मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, तो जरूरी है बताना अपने विंध्य की स्थिति क्या है। हमारे जो रीवा, सीधी सिगरौली और ये सतना बेल्ट है, यहाँ पे लोग जागरूक तो हैं, लेकिन उस जागरूकता को कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए देखा जाता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं सारे नियम कानून को दरकिनार करते हुए अपनी मौज मस्ती में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए चलते हैं। इसका नमूना अगर देखना हो तो आप शाम का ही वक्त है और आप किसी भी चौराहे में खड़े हो जाएं, कहीं पर भी आप पार्क में चले जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, तो आपको एक ना एक उदाहरण के तौर पर आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, और बकायदा चालान कर पुलिस इसमें चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन उसमें भी चालानी कार्रवाई जिस पैमाने पे होना चाहिए वो होती नहीं है, अगर होती भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का या किसी अन्य का ध्वस दिखा करके लोग कहीं ना कहीं वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये गंभीर मसला है, गंभीर मुद्दा है, जब कोर्ट को एक बार फिर से कहना पड़ा, हालांकि बार बार कोर्ट कहती आ रही है कि सुरक्षा के प्रति आपके लिए ही ये सारे नियम बनाए जाते हैं, आप उन नियमों का पालन करें, मगर होता ऐसा नहीं है जी। विपिन जी ने बात बताई है जो क्षेत्र की है, हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके भी जो सुझाव है, उनकी जो बात है, उनके जो प्रश्न है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि विक्रांत जी एक उदाहरण है, उन्होंने बामन जिलों की यात्रा की है और मोटरसाइकिल से उन्होंने यात्रा की है, और सभी जो सुरक्षा साधन थे उनको अपना के उन्होंने यात्रा की है। इस चर्चा में वो सभी पहलुओं को रखेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे, और हेलमेट बहुत जरूरी है, साथ ही इस आदेश में सीट बेल्ट भी जुड़ा हुआ है, सीट बेल्ट और हेलमेट की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा। जो हमारा
जीवन है वो महत्वपूर्ण है। जैसा विक्रांत जी ने कहा कि हम अलग अलग भूमिका में हैं अपने घर में, और जब हम किसी यात्रा में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कोई भी घर का सदस्य नहीं चाहता है कि हम सुरक्षित वापस न लौटे। हमें समझदारी से वाहन चलाना चाहिए और जो आवश्यक निर्देश उनका पालन करना चाहिए। बात निकल के आती है कि जीवन हमारा है, महत्वपूर्ण हमारे लिए है, उस जो है वो हमारा जीवन बचाता है, सीट बेल्ट हमारा जीवन बचाता है। उसके बाद भी कोर्ट को कहना पड़ रहा है, पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है, और हम ये मुंह देखते हैं कि कोर्ट कहे या पुलिस दबाव बनाए तब हम हेलमेट लगाएंगे, तब हम सीट बेल्ट लगाएंगे। एक बड़ा सवाल है हम सबके सोचने के लिए। विक्रांत जी के पास चलेंगे। विक्रांत जी, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके लिए भी कोर्ट को और पुलिस को कहना पड़ता है, इसको आप सामाजिक स्तर में कैसे देखते हैं? जी, बड़ी समस्या, बहुत ही गंभीर है। लेकिन कहते हैं ना, एक बघेली में कहावत है, कहे कहे काम हो जाते हैं। तो जब तक समाज इसको अपने अंदर नहीं शामिल करेगा, जब तक हम टोकने की आदत नहीं आएंगी घर में, हम अपने अभियानों से आपको चर्चा कुछ उदाहरण पेश करेंगे। 5 साल पहले की बात है कि जब हमने इस कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बिना हेलमेट के आते थे, तो हमने जन सहयोग से ऐसा प्रयास किया था कि किताबों की लाइब्रेरी होती, उसी के साथ हेलमेट की भी लाइब्रेरी बनाई थी कि जो बच्चा हेलमेट नहीं लेके आया है वो यहाँ का हेलमेट लेके जाए, अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, और जब कल आएगा तो ये जो हेलमेट हमने दान से कलेक्ट किए हैं ये भी रखेगा और अपना हेलमेट लेके आएगा। तो समाज में बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत भी किया था कि नई पहल है। और इस तरीके से हमने बहनों से कितने अभियान चला के कहा कि रक्षाबंधन में आप भाइयों से यही मांगिए कि भैया जब आप यात्रा में निकलेंगे तो हेलमेट पहन के जो निकलेंगे। भाई ऐसा अभियान चला और लोगों ने, बहनों ने बहुत हाथों हाथ लिया इसको। तो क्या है, मेरे अनुसार जब तक हम इसको चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, गंभीर समस्या है, बात करने से बात बनेगी, हम कहते नहीं हैं, इसलिए गंभीर समस्या और जटिल होती जा रही है। जी, विक्रांत जी ने बहुत ऐसी पहल, अनूठी पहल उन्होंने यहाँ पर रखी है, जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे इससे। उन्होंने 5 साल पहले ये प्रयास किया। बड़ी बात यह है कि महाविद्यालयों में या विद्यालय में जैसे लाइब्रेरी होती है पुस्तक की, उन्होंने एक व्यवस्था बनवाई और जन सहयोग से व्यवस्था बनवाई, हेलमेट की अच्छी पहल रही है। और बहनों के लिए कि आप रक्षाबंधन में अपने भाइयों से ये मांगे कि आप हेलमेट लगाएं, हमें और कोई उपहार दें या न दें, अपने लिए हेलमेट जरूर लें, एक बड़ी बात है। यदि हम जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं और समाज में हम सारी चीजें देखते हैं, और ये टोकना, जो टोकने की बात आई है, कार्यक्रम मुख्यतः हमारी जिम्मेदारी है उसको याद दिलाने के लिए भी है। जीवन हमारा है, महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और हम खुद ही लापरवाही यदि करेंगे तो कैसे चलेगा? एक दुर्घटना से कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, वो पूरा परिवार प्रभावित होता है, घर के जितने सदस्य हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। महत्व तो ये है कि हम घर में कौन सी जिम्मेदारी में हैं और कौन से दायित्व में हैं, तो उस तरह से प्रभाव पूरे घर में होता है। तो ये घर के सदस्यों को भी टोकना होगा और कहना होगा, चलते समय याद दिलाना होगा। बहुत सारे प्रयास हैं सरकार के द्वारा, प्रयास किए गए, इतने प्रचार प्रसार किया गया, लिखा गया वालों में, उसके बाद आज स्थिति है जैसा विपिन जी बता रहे हैं क्षेत्र में, कि लोग बिना हेलमेट के निकल जाते हैं। और हम कई बार ये सोचते हैं कि हम केवल 10 मिनट 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, हम 4 किलोमीटर की दूरी के लिए जा रहे हैं, तो दुर्घटना का कोई समय नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती कि कितनी दूर में दुर्घटना होगी और कौन से वक्त दुर्घटना होगी, सुबह होगी कि शाम होगी, स्कूटी से होगी कि बुलेट से होगी कि किस गाड़ी से होगी, वो कोई वाहन निर्धारित नहीं है। कई बार ये भी देखने में आता है कि हम स्कूटी लिए हुए हैं, हम ये छोटा वाहन लेके जा रहे हैं, तो हम क्यों ये सावधान रखें। कई मुद्दे हैं, इनमें हम बात करेंगे। अपना पंचस तो लेके आने का कारण था, हमारे दर्शकों का भी कहना था, ये संदेश था कि इस विषय में चर्चा की जाए, और ये महत्वपूर्ण विषय है, जैसा विक्रांत जी ने कहा है, महत्वपूर्ण विषय, इसमें बात करेंगे तो बात बनेगी और बात सुधरेगी। इतने वर्षों बाद भी, इतने प्रयासों के बाद भी, आज सोचिए कि विक्रांत जी हमारे साथ हो, 5 साल पहले से प्रयास करें और पहले से प्रयास करें, लेकिन 5 साल पहले का उन्होंने अनुभव बताया अपना कि हमने ये पहल की थी, उसके बाद भी स्थिति अभी सुधरी हुई नहीं दिख रही है। कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ रहा है, कोर्ट को कहना पड़ रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य को पुलिस को बताना पड़ता है कि आप ऐसा करिए। विपिन जी, क्षेत्र में जो युवा वर्ग है उसके बीच भी आप रहते हैं, हेलमेट न लगाने के पीछे उनकी क्या कुछ तर्क वो बताते हैं, आपने वो तर्क सुने होंगे,
क्या तर्क रखते हैं हेलमेट न लगाने के पीछे? बिल्कुल बिल्कुल अखंड, कहा भी जाता है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, मगर दुखद इस बात की है कि युवा इतना जागरूक होते हुए भी बार बार कोर्ट की टिप्पणी करना पड़े सुरक्षा को लेकर के, ये कहीं ना कहीं दुखद ही समाचार कहा जाएगा, क्योंकि युवाओं में जो जोश और जो उमंग होता है उनमें तो ये होना चाहिए कि कम से कम अपने शरीर के प्रति कम से कम इतना सजग हो जाए कि हमें जो बार बार किसी की टिप्पणी का सामना न करना पड़े, कोर्ट जैसी संस्था हमें टिप्पणी न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से युवाओं में आज का जो ट्रेंड चल रहा है रील बनाने का, और जिस तरीके से कार राइड हो या बाइक राइड हो की जा रही है, उससे तो यही साबित होता है कि युवाओं में कहीं ना कहीं जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है, और खास तौर पर युवाओं की ही हम बात कर रहे थे। आज भी आज सुबह ही जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मुझे ये लगा था कि कम से कम अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, शायद युवा अपने घर के लोगों की अगर कहीं ना कहीं बात को अवहेलना करते हैं तो कम से कम कानून का तो सम्मान करेंगे ही सही। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैं कई चाक चौराहों पे मैंने देखा कि स्थितियां जो कि तो ही नजर आई, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कहीं ना कहीं कानून को पालन करते हुए युवा दिखाई देते हों, ऐसा कुछ नहीं दिखा। अखंड, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भी घर से आता हूँ तो मेरे घर में खासतौर पे हम डिफेंस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे जब भाई आते हैं वो चाहे 10 कदम की दूरी बाइक लेके क्यों ना जाएं, वो जब भी घर से निकलते हैं तो हेलमेट लगा के ही बाहर निकलते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर के, और मैं भी जब घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा वो भी इस चीज को लेकर बोलते हैं, और खुशी भी उन्हें होती है कि मैं बिना किसी के कहने पर ही मैं हेलमेट लगा के दफ्तर आता हूँ। मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि हर एक युवा को अपने प्रति सजग होना चाहिए, और अगर वो अपने प्रति सजग होंगे तो इससे समाज और देश का भी बेहतर निर्माण होगा। जी विपिन जी ने जैसे बताया है कि एक तर्क होता है, एक रील की बात उन्होंने की, रील बनाना, स्टंट करना, और कुछ तर्क और हमारे अन्य रिपोर्टर क्षेत्र में थे, उन्होंने बताया कि हमारी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, हमारे बाल खराब हो जाएंगे, और हेलमेट जो हमारा ये है पूरा चेहरा नहीं दिखेगा, हम कैसे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। ये जो तर्क आते हैं युवाओं के बीच से, वो सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें तब रहेंगी जब जीवन रहेगा। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो आपकी हेयर स्टाइल हो या आपका कैसा चेहरा दिखता है, कैसे आप दिखते हैं, कैसा आपने पहनावा रखा है, ये सब कुछ महत्व नहीं रह जाएगा जब ये शरीर ही नहीं बचेगा। और जो हेलमेट और सीट बेल्ट की बात आई है, ये कहीं ना कहीं उस दुर्घटना को, मृत्यु किसी की रोकी भले नहीं जा सकती, एक ये भी तथ्य रहता है समाज में कि मृत्यु कौन रोक लेगा, ये एक भी ये तर्क भी आता है कि मृत्यु को कौन रोक लेता है, लेकिन जो दुर्घटना है उसमें जो आपको क्षति पहुंचनी है, जो चोट लगनी है, उसका स्तर कम हो जाता है। कई आप देखेंगे कि केवल सर में चोट लगती है और गंभीर चोट होने के कारण मृत्यु हो जाती है, और हेलमेट वहीं बचाता है। कार में जब सीट बेल्ट नहीं लगा होता है और अचानक ब्रेक मारना होता है, कोई टक्कर होती है, तो वो जो स्टेयरिंग है वो भी लग जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये दुर्घटना है, इससे बचने के लिए ये पहल की गई है। इसी के साथ हम अन्य भी जो यातायात के लिए सावधानियां उनमें भी बात करेंगे। आप देखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं उनके पालन की भी जब बात आती है तो कई बार केवल अंत के 6 से 7 सेकंड के लिए लोग नहीं रुक पाते हैं। वो 30 सेकंड के लिए बंद हुआ है, 1 मिनट के लिए बंद हुआ है, 2 मिनट के लिए बंद हुआ है, तो 1.5 मिनट तक रुके रहेंगे, अंत के 10 सेकंड नहीं रुका जाता है। तो ये हमें, ये सारी जो हमारी आदतें हैं, ये हम अपने ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो अपना पंच है उसके मूल में हम हैं, हमारी जनता है, हमारे दर्शक हैं, आप खुद उसके मूल में है, इसलिए ये चर्चा हम आज अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए का अर्थ है कि जो हमारे दर्शक हैं वो हम, और जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं, हम ये अपने लिए चर्चा कर रहे हैं कि कब तक दूसरों को बताना पड़ेगा कि हम ये कार्य कर लें। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और हम अभी जो मूल नियम है हमारे लिए, जो हमारी जरूरत है, उनको हमें कोर्ट को और पुलिस को बताना पड़ता है कि हम ये कर लें। विक्रांत जी कैसे देखते हैं जो तर्क आते हैं समाज से, उसको आप कैसे देखते हैं एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर? जी जी, मैं विपिन जी की बातों से बहुत तरीके से सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें भी करना चाहता हूँ। क्या है कि आप जरूर कह रहे हैं कि युवा बालों के चक्कर में रील बनाते हैं, मैं भी युवा हूँ, अब थोड़ा सा मैंने युवा और दोनों के बीच में हूँ,
मैं उनको बताना जी चाहूंगा, जी एक हमारा क्लब है यहाँ पे एनफील्डर क्लब करके, हमने बहुत बड़ा क्लब बनाया है, इतनी राइडें की हमने, लेकिन बिना हेलमेट कोई हमारे पास आता है, बिना राइडिंग गेयर के, बिना शूज के, हम उसको भगा देते हैं। और हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हम समाज के बीच में अपने राइडिंग गेयर हेलमेट के साथ जाते हैं, लोग आके हमसे पूछते हैं भैया ये कहाँ मिलेगा। तो हमने, हम भी युवा हैं, हम भी इसी समाज के बीच से आते हैं, कमियां तो लाख है, लेकिन तो भी हम अप्रिशिएट करेंगे अपने राइडर्स को कि हम जिसको भी मैसेज करते हैं कि लेस वाला शूज पहन के आना है और हेलमेट और विथ राइडिंग गियर्स, एक पूरा राइडर क्लब इसको फॉलो करता है, तो अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा होती है। त्रुटियां बहुत सारी हैं, जैसा आप भी कह रहे थे कि हम जब चार पहिया वाहन ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो सीट बेल्ट जब हम नहीं लगते हैं तो हमारा जो एयर बैग है वो नहीं खुलता एक्सीडेंट के दौरान, और जब सीट बेल्ट लगा रहता है तो एयर बैग खुलता है तो दुर्घटना कम होती है। तो हम बताना चाहेंगे हमारे साथ भी यही त्रुटि थी, हम पहले गाड़ी चलाते थे तो नहीं लगाते थे, लेकिन अब इतनी मैंने जागरूकता हो चुकी है, बाहर के शहरों में चलान हो गई, स्वतः को सोचना पड़ेगा, ये स्वतः का विषय है कि हम जगेंगे तो देश जगेगा, हम दूसरे को कहें, तीसरा दूसरे को कहे, इससे नहीं होगा, हमको खुद उदाहरण पेश करना पड़ेगा। और हम सब पढ़े लिखे हैं और आपने ऐसा मंच प्रोवाइड कराया, इनसे जहां तक भी आवाज जा रही है, मुझे ऐसा लगता है जो इसको सुन रहा है वो एंड्रॉइड चलाने वाला व्यक्ति होगा, और जो एंड्रॉइड ऑपरेट कर सकता है वो हेलमेट के बारे में तो जागरूकता जनता है। तो सब तक अपनी आवाज जाए और हर व्यक्ति हेलमेट लगाए, और लोग लगाने लगे तो मजा आएगा जी। जी, जैसा विक्रांत जी ने बताया है, उन्होंने क्लब बना रखा है, उसमें बाइक राइडर्स हैं और पूरे जो उपकरण है, जो सुरक्षा साधन है उसको वो धारण करते हैं और उसके बाद यात्रा करते हैं। कई बार हमने देखा भी है आपकी जो फेसबुक आईडी या अन्य जगह देखने को मिलता है कि विक्रांत जी जब यात्रा में निकलते हैं और उनका पूरा ग्रुप निकलता है तो लोग रोक के उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, उस फोटो को भी शेयर करते हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सब आपके जो ये आपका समूह रहा है इसको लगातार सहयोग करते रहे हैं, तो वो जो अच्छी सीख है हमें वो लेनी है। इसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है तो हमारे जी जी आपसे बताएंगे, कभी ऐसा भी हुआ कि बड़ी प्रशासनिक राइट थी, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हेलमेट नहीं पहना था, मैं आज वो वर्तमान कलेक्टर हैं किसी बड़े जिले के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो समाज को क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा विक्रांत जी कहाँ से जुगाड़ हो जाए, हमने कहा पीछे जाइए हम आपकी जुगाड़ कराते हैं। तो हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जब कभी मिलते हैं वो, कि भाव ये है नहीं पहना है, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी परफेक्ट हो जाए, लेकिन उसके अंदर भाव हो कि हम सुधार लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा भी उदाहरण सामने आए कि प्रशासनिक अधिकारी, वो हो सकता है ये भी कह सकते थे कि आप हमें कहेंगे, लेकिन उन्होंने स्वतः स्वीकारा, नहीं गलती है हमारी, हमको जल्दी से दिला दीजिए हम लगा ले। तो ऐसे भी अच्छे उदाहरण है समाज में, और सबके लिए ये उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। तो बात यही है कि जो अच्छे उदाहरण है, जो हमें सीख देने वाली चीजें हैं, जो बातें हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, जो हमारे लिए नुकसानदायक है सीख हम दोनों तरह रहे हैं, जो नुकसान दे रहा है वो कहीं न कहीं ज्यादा हो जा रहा है, जो फायदेमंद है वो कम हो जा रहा है, तो हमें फायदे वाली बातें सीखनी है। एक पहलू और होता है कहाँ से सीखते हैं, बात निकली है तो इस चर्चा में मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई बार अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियां निकाली है, उसमें मोटर वाहन की भी रैली है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो सकते हैं, किसी भी दल हो सकते हैं, किसी एक दल की बात नहीं है, वहां कई बार देखा जाता है कि जो वो यात्राएं निकलती हैं आप अभी भी जाके फोटो देख सकते हैं, उनमें लोग हेलमेट पहने हुए आपको बहुत कम संख्या में दिखेंगे। जो ऐसी होती है जब हम समाज का नेतृत्व करने निकले होते हैं, हम जिम्मेदारी उठाने वाले हैं अपने पूरे समाज की, हम नेतृत्वकर्ता बनने वाले हैं, और वहां हम इस तरह की लापरवाही करते हैं, जो पूरा वर्ग होता है, जो पूरा समाज होता है हमारा, जो हमारे क्षेत्र की जनता होती है वो क्या सीखती है। एक वो उदाहरण है जैसा विक्रांत जी ने उदाहरण दिया है, यदि कोई हेलमेट नहीं पहने हम याद दिला के और उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसे उदाहरण का एक बड़ा जनसमूह निकलता है, तो इस तरह की स्थितियां जब सामने आती हैं तो लोग क्या सीखेंगे। विपिन जी आपने भी ऐसी यात्राएं देखी होंगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये
जो बात होती है वो प्रभावित करती है। तो हमें जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अपना पंचे शो देख रहे हैं, उनसे हमारा सीधा कहना है कि आप इस तरह की जो सीख देने वाले लोग हैं उनसे दूर हैं, उनसे बचें, और अपने लिए जो महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उस बात को स्वीकारें, उस बात को सीखें। क्योंकि यदि हम एक छोटी सी भूल करते हैं तो वो पूरे परिवार के लिए खतरनाक स्थिति होती है। हमारा जो चलान हो रही है वो तो एक क्षणिक आपका नुकसान है, याद दिलाने के लिए कि आप आगे ये गलती ना करें, लेकिन अच्छा है आप चलान के बाद संभल जाएं, हम चलान के बाद संभल जाएं तो बेहतर है, हमारी हमारे साथ वो घटना ना हो कि हम उस भूल को सुधारने लायक बचे ही ना। अपना पंचे शो में इस चर्चा को रखने का कारण ही है कि हम सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, हम सब मिलकर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकासात्मक कार्यों में सहयोग करें, एक बेहतर स्थिति बनाएं। इस तरह की स्थिति ना हो कि हमारी छोटी छोटी गलतियों के लिए, छोटी छोटी भूल को सुधारने के लिए कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े, पुलिस को कहना पड़े। सामाजिक जिम्मेदारी की बात आती है, हेलमेट और सीट बेल्ट पर हम केंद्रित रहे हैं, हम इस चर्चा में ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल भी हमें फॉलो करना जरूरी है। साथ ही जब हम सड़क में निकलते हैं तो हमारे वाहन चलाने से केवल हमारा नुकसान नहीं होना है, हमारे गलत ढंग से चलाने से हमारा नुकसान नहीं होना है, हम अपने जीवन के भले जिम्मेदार हों, हमारे साथ जो सड़क में अन्य चलने वाले लोग हैं वो भी जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारी गलती से उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ये बात कहने का कारण है कि ऐसी स्थिति हमने देखी है, गलती किसी और की है, भुगतना किसी और को पड़ता है। विक्रांत जी, इसमें आपका क्या कहना है, हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है, अंत के 5 मिनट बचे हुए हमारे पास, तो हम एक समग्र चर्चा सुधार के रूप में और एक सीख के रूप में पूरी करना चाहेंगे कि ये जो बात होती है हमारी गलती से दूसरे को भी नुकसान होता है, उसमें आपका क्या कहना है? जी, जितने भी दो पहिया चालक हैं, सबसे पहले मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप निकलें, हेलमेट तो आपके पास है, एक साइड स्टैंड भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। हम आगे के एक्सीलेटर की ओर ध्यान देते हैं लेकिन पीछे के पैर से स्टैंड को नहीं हटाते, तो ये बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। और जब हम हाईवे में चलते हैं तो हम बीच रोड पे चलते हैं। सरकार ने सफेद रंग की एक पट्टी बनाई हुई है, आपने देखा होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में, जहां बाइक वालों से अक्सर कह रहे हैं कि जब आप चलें उस सफेद पट्टी से 1 फीट इस तरफ चलें या उस सफेद पट्टी से 1 फीट इस तरफ चलें। आप इस तरीके से वाहन संचालित चलाते हैं तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, और आप जब बीच में चलाएंगे तो इतना तेज है कि हम साइड मिरर में देख नहीं पाते हैं और हम पलक झपकते हैं, दूसरा वाहन आ जाता है, दुर्घटना से देर भली, और हम जो एक इकोनॉमी बनाई गई है वाहन को चलाने के लिए, निर्धारित स्पीड है, कहां से मुड़ना चाहिए, इंडिकेटर पहले देना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, हम आसानी से इसको अपने अंदर ढालेंगे तो आ जाएगी। लोग बिना हाथ दिए भी मुड़ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम चूक गए, वो बताए नहीं, गलती हमारी थी, फिर दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो जब हम किसी के ऊपर गलती का हाथ उठाते हैं तो एक उसके तरफ है, 3 हमारे ऊपर हैं। तो खुद सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, और फिर ऐसे ही एक बदलेगा तो समाज बदलेगा, फिर अपने आप बदलाव की लहर बदलेगी। जी, विक्रांत जी ने अपनी बात करी है कि हमें खुद सुधरना होगा, हम अपने से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक मुहिम होगी और पूरा समाज सुधर सकता है। इसी एक प्रयास से हम अपने घर को, खुद को सुधारें और कोशिश करें कि एक दूसरे को याद दिलाते रहें। एक और बात देखने को आती है कि जो अभी सघन जांच अभियान चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, उस जांच की जो जगह है वहां से निकल के अन्य जगह से निकल जाते हैं। हम उन बातों को इसलिए याद दिला रहे हैं कि हो सकता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से किसी ने, हालांकि हमारे सभी अच्छे दर्शक हैं और वो ऐसी, हमारा मानना है कि गलतियां नहीं करते होंगे, लेकिन यदि कोई ऐसी गलती किया भी है उसे सुधार सकता है, और ये जो शासन ने मुहिम चलाई है उसमें साथ जा सकता है, और बार बार कहना है शासन को मुहिम चलाने की जरूरत ही ना पड़े। विपिन जी, आप क्षेत्र में रहे हैं, आपके साथ जो जागरूक नागरिक, सजग नागरिक, आप ही की तरह हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले लोग जुड़े, जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग जुड़े, उनके जो कुछ संदेश हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, फिर हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि सभी जो हमारे साथ जागरूक
लोग जुड़े उनका बस एक ही यही कहना था कि देखिए आप हेलमेट अगर लगाते हैं तो आप, एक तो सबसे अच्छी बात यह कि आपके चेहरे पे डस्ट जो जमती है वो नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके चेहरा साफ रहता है, आपके आंखों में किसी भी ऐसा धूल नहीं घुसता जिससे एक्सीडेंट के अधिकांशतः चांसेस उससे कम होते हैं अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो। तीसरा ये कि अगर आप हेलमेट लगाएं तो आप तो सुरक्षित हैं ही हैं, साथ में आप जो है अन्य लोगों को भी आप कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। हेलमेट लगाना सबसे जरूरी काम है, सभी को हेलमेट लगाना चाहिए और तब जाके अपने घर से कहीं भी गंतव्य के लिए निकलना चाहिए। जी अखंड विपिन जी ने बात बताई है और कुछ और फायदे उन्होंने गिनाए हैं हेलमेट हेलमेट लगाने के, और निश्चित मौसम की मार जो होती है, गर्मी हो ठंडी हो और बरसात हो, उससे भी हेलमेट आपको सुरक्षित रखता है। ये अनेक फायदे हैं और फायदे हम सभी जानते हैं, कई बार हम किसी जिस भी कारण से वो भूल करते हैं, वो भूल ना करें, हेलमेट की बात लगातार हो रही है, सीट बेल्ट भी उसमें शामिल है, सीट बेल्ट की बात भी जो है हम ध्यान रखें जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, भले हम अपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर बैठे हैं, कोई भी हमारा बड़ा वाहन है उसके अंदर बैठे हैं, हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं तो हम पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। जैसा विक्रांत ने कहा कि वो जो एयर बैग है वो खुल नहीं पाता है, अनेक तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उनमें ये देखा गया है कि सीट बेल्ट न होने के कारण वाहन चालक की मृत्यु हो गई है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है और अपने पंचे सो में ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है, जिन बातों में चर्चा हुई है, उसको निश्चित ही हमारे दर्शक याद रखेंगे और वो हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी सभी बातें महत्वपूर्ण है। विक्रांत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उनका धन्यवाद। विपिन जी इस चर्चा में क्षेत्र की बातें लेके आए हैं और अपना भी उदाहरण उन्होंने दिया है, उनका भी धन्यवाद। विशेष चर्चा रही है हेलमेट और सीट बेल्ट को लेके, जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें हम आपका देख रहे हैं। और एक बात और, ये जो इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना है कि कोर्ट को न्याय दिलाना पड़े, अंत में यही कहना है, कोर्ट को न्याय दिलाना पड़े, पुलिस को न्याय दिलाना पड़े, हम अपनी जिम्मेदारी याद रखें, हम अपना कर्तव्य निभाएं, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। अपना पंचे सो में आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा अरविंद के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए अरविंद फर्स्ट के साथ, नमस्कार।